झारखंड में इन दिनों ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जिसमें अंचल अधिकारी भू माफियाओं से मिलीभगत कर जमीन से जुड़ी बड़ी खेल को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही मामला एक टाटी सिल्वर की चतरा गांव से आई है जिसमें सीधे तौर पर अंगड़ा ब्लॉक के सीईओ के ऊपर पीड़ित परिवार आरोप लगा रहा है कि जमीन माफिया के साथ मिलीभगत पर हमें घर से बेघर किया जा रहा है, हमें हमारी जमीन पर घर बनाने नहीं दिया जा रहा है। इस मामले को लेकर थाने में शिकायत की गई है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अतिक्रमण है कहाँ जो हम हटा? जमीन का क्या कल्चर है ये बता दीजिए। रसीद किसके नाम से कटा? रसीद मेरे ससुर के नाम से कटता है। नेचर क्या है? अभी भी देखिए, अभी भी 2023 तक का मेरे पास रसीद है। जमीन का नेचर बता दीजिए। जमीन का नेचर मान लीजिए इस तरह सरकार आपको नोटिस कर रही है तो क्या है जमीन का नेचर बता दीजिए। उनका कहना है कि आप दूसरे जगह जाइए, आप उस जमीन को छोड़ दीजिए। तो व्यक्तिगत हम क्यों छोड़े? और पूरे जमीन का 2 एकड़ 3 डिसमिल का मेरे ही नाम से नोटिस होता है जबकि उसमें और बंदोबस्त आदमी है, सबको नोटिस होना चाहिए। तो मेरे को हाँ 78-79 का है, मेरा 78-79 का बंदोबस्त है मेरे। सिल्वर चतरा बस्ती बंडा टोली से रहने वाला हूँ। मेरा नाम अमरनाथ महतो है, मैं चतरा बंडा टोली से हूँ। मेरा अंगड़ा प्रखंड पड़ता है। मेरे को बहुत दिक्कत है, बोला जाता है कि जमीन सरकार जो देती है तो क्यों देती है? जिनका जमीन सटा हुआ रहता है उनको जमीन इस बात से देती है ताकि उनका जमीन नहीं है, घर दूरा बनाने के लिए देता है, बेचने के लिए नहीं देता दिया जाता है। लेकिन अगला बेच रहा है, नाम भी हम बताएंगे। नाम बताइए। जयपाल हजाम नाम है, जयपाल हजाम नाम है, वो सरपंच है हम लोग गाँव का। एक बार नहीं 3-4 बार जीता है, बस राजनीतिक खेलता है वो। जब जब अभी वोट आ रहा है, वोट आ गया है अभी, वो लेडीज लोग को जुटाता है ताकि विधायक राजेश कच्छप, राजेश कच्छप।